वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके अलावा कई जिलों में गर्मी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल, हरदा, देवास में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक से बात की हमारे संवाददाता कुमार संदीप ने। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं जो लू का टॉर्चर है वो जारी है, कहीं गर्मी का पारा जो है वो चढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं मौसम खुशगवार भी हो रखा है। आखिर क्या वजह है इसकी? हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धवले जी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, मौसम के अलग अलग रंग पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? नमस्कार। एक्चुअली मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार आधार पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सैटेलाइट पिक्चर है पीछे में। तो इस सैटेलाइट पिक्चर में एक्चुअली जो ऊपर में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ, और उसके साथ ही जो है एक मराठवाड़ा पे जो है एक चक्रवाती घेरा है, ऊपरी हवा का चक्रवात 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल, और उत्तर प्रदेश में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसकी वजह से जो है ये जो मॉइस्चर इंकर्शन हो रहा है अरेबियन सी से वहाँ से, उसकी वजह से प्रदेश में जो आप देख रहे हैं कि व्हाइटिश कलर के जो है क्लाउड्स जो दिख रहे हैं, तो उसके वजह से अभी पिछले 24 घंटे में मीन्स संभागों में जो है वर्षा दर्ज की गई है, और अनेक जगहों पे जो है आप आंशिक बादल भी छाए रहे हैं। तो और इसका तापमान पे भी इसका असर हुआ है, और तापमान जो पहले चल रहा था 45 डिग्री और उसके ऊपर, तो 45 डिग्री के नीचे आया है। नॉर्थ एमपी के जो जगह पे वहाँ पे जो 45 चल रहा था वहाँ पे भी 44-43 डिग्री सेल्सियस तापमान आया है। और इसके साथ ही हमने एक हमारा पूर्वानुमान यहाँ पे जारी किया है, ये देख सकते हैं आप 10 तारीख को जो है ऊपर में जो चित्र दिया है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है कि आइसोलेटेड फॉर्मेट में यहाँ पे रेनफॉल होने की संभावना है। तो जिसमें कि मालवा क्षेत्र है, भोपाल संभाग है, सागर संभाग के अनेक जिले है, जबलपुर शहडोल संभाग है, तो यहाँ पे जो है वर्षा होने की पूरी संभावना बनी हुई है आने वाले 24 घंटे में। उसके साथ ही हमने मीन्स वार्निंग भी दिया है, कहीं कहीं जो ऑरेंज अलर्ट दिया है, कहीं कहीं येलो अलर्ट है। जिस ऑरेंज अलर्ट में जो है आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है, वहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है, और येलो अलर्ट में भी गरज चमक के साथ बौछारें गिर के और वहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। तो जो अनुमान है मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन इसके आने वाले दो दिनों के बाद जो है एक बार फिर तापमान का पारा चढ़ेगा, और जो ग्वालियर चंबल संभाग के साथ बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पर तापमान एक बार फिर 45 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन अभी तो राहत की बात यह है कि बारिश का जो सिलसिला है मध्य प्रदेश में वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।